15 लाख की स्मैक के साथ अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर हेमंत उर्फ हनुमंत रावत पुत्र धीरन सिंह रावत निवासी ग्राम मांडो गिरफ्तार। 25,000 का इनाम था घोषित। शिवपुरी जिले की कोतवाली पुलिस की बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर एवं 25,000 रुपए के नामी आरोपी को 15 लाख रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी पर पूर्व से 5 मामले हैं लंबित। आरोपी से घटना में प्रयुक्त वाहन TBS राइडर मोटरसाइकिल कीमत 1,50,000 कुल 16,50,000 रुपए को जब्त किया गया। आरोपी अंतर्राज्यीय स्मैक बेचने वालों के माध्यम से शिवपुरी में कई वर्षों से स्मैक का व्यापार कारोबार को अंजाम दे रहा था। कोतवाली थाना प्रभारी रोहित दुबे ने बताया कि 29 जुलाई को सूचना पर से सिंह निवास पुल के ऊपर फोरलेन शिवपुरी पर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेर कर पकड़ा। उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 70 ग्राम भूरे रंग का पदार्थ स्मक कीमत 15 लाख रुपए की जब्त कर आरोपी हेमंत उर्फ हनुमंत रावत पुत्र धीरन सिंह रावत निवासी ग्राम मांडो थाना तेंदुआ जिला शिवपुरी को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण कार्यवाही को वीडियोग्राफी की गई एवं गिरफ्तार शुदा आरोपी से स्मक का विक्रय करने वाले एवं नशा करने वाले अन्य व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ की गई। वहीं गिरफ्तार शुदा आरोपी को न्यायालय पेश किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी द्वारा स्मैक क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश लगातार कोतवाली पुलिस को प्राप्त हो रहे हैं, जिसके तारतम्य में आज कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। माड़ो थाना तेंदुआ निवासी हेमंत रावत को कोतवाली पुलिस ने 70 ग्राम स्मैक कीमती लगभग 15 लाख रुपए के साथ सिंह निवास पर फोर लाइन के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल राइडर, इसको भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार शुदा आरोपियों पर पूर्व से NDPS के 5 मामले लंबित चल रहे थे एवं अगर आपराधिक रिकॉर्ड की भी बात की जाए तो लगभग 8 से 9 मामले, जिसमें 25-27 आर्म्स एक्ट एवं NDPS के मामले भी पूर्व में आरोपी पर रह चुके हैं। आरोपी पर 25,000 रुपये का अलग अलग मामलों में इनाम घोषित था। कोतवाली पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी का 70 ग्राम स्मैक के साथ फोर लाइन शिंगनवास पुलिस से गिरफ्तार किया है। चूंकि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के स्मैक क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश हैं, इसी आधार पर कोतवाली पुलिस लगातार मुखबिरी के आधार पर कार्रवाई कर रही है एवं आम जनता से भी अपील करते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी सूचना स्मैक क्रय विक्रय के संबंध में प्राप्त हो रही है तो तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर आप सूचित करें, कोतवाली पुलिस तत्परता से कार्रवाई करेगी। स्मैक एक्चुअल में ये लोग अलग अलग स्रोतों से जो लाते हैं, इसके संबंध में पुलिस ने पूछताछ की है भी इनसे। इसके संबंध में आरोपियों के मेमोरेंडम भी लिए हैं और जिनके भी नाम सामने आ रहे हैं, जैसे हेमंत रावत का नाम भी पूर्व में आरोपियों के मेमोरेंडम में आया था, जिसके आधार पर पूर्व के प्रकरणों में मुलजिम बना है। इसी आधार पर आज हेमंत रावत से भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद हेमंत रावत को माननीय न्यायालय भी पेश किया जाएगा, यदि आवश्यकता होगी तो हेमंत रावत का PR लिया जाएगा। आरोपी मूल निवासी जो है वो माड़ो ग्राम तेंदुआ का रहने वाला।